कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में हम सभी एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और हर बार जब हम किसी नए वर्ष में जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमने इस वर्ष जो गलतियां करी, जो अपने अंदर हमें सुधार करने की जरूरत है, नए वर्ष में नई चुनौतियों को, नए सफलताओं को, नए मुकामों को हमें छूना है और अपने आप को बदल करके यह सिद्ध करना है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है और हमें अपने सोचे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, कई सारे रिजोल्यूशंस लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने इस नए वर्ष को अभी तक का अपने जीवन का सबसे बेहतर वर्ष कैसे बनाएं, किस तरीके से आप इस नए वर्ष को एक नई दिशा दें, एक नए दशा में अपने आप को परिवर्तित करें जिससे कि आपका जीवन सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज के समय में हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो वह है समय। तो पहला संकल्प, पहला जो दृढ़ निश्चय आपको ये करना है कि अपने समय का आप सदुपयोग करेंगे, समय को अपने सही जगह आप लगाएंगे। जैसे कि अगर हम एक छात्र हैं तो हमारा परम कर्तव्य, हमारा पहला जो ड्यूटी है वो यही है कि हमें पढ़ाई करना है। अगर हम यह ठान लें कि इस नए वर्ष में हम एक संकल्प जरूर लेते हैं क्योंकि हम हर रोज हर दिन पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने सोचे हुए लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। जैसे कि एक विद्यार्थी जब एग्जाम के बहुत पहले से पढ़ाई करता है, रोज एफर्ट लगाता है तो उसे पता होता है कि मेरे अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वही विद्यार्थी जब नहीं पढ़ाई करता तो उसे पता होता है कि अब मैं चाहे जो भी कर लूं मेरे अंक उतने नहीं आएंगे जितना मैंने सोचा है। सबसे पहली बात है अगर हम समय का सही यूटिलाइजेशन करें, अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करें तो इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है और बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर से हट जाती हैं। जैसे कि हम देखिए बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत देर तक सोना, रात को देर तक जगना, सोशल मीडिया चलाना, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करना, इन सारी चीजों से हम एक निगेटिविटी के आसपास घिरे होते हैं। तो आपको सबसे पहले जब से ज्यादा वैल्यू देनी है अपने समय को। आप सबको सब कुछ दें लेकिन अपने समय को ना दें दोस्तों, क्योंकि एक बार जो समय चला जाएगा फिर वह समय आपके लिए वापस नहीं आएगा। तो आपका यह एज अ स्टूडेंट ये परम कर्तव्य आपको मानना होगा कि आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। कम्पीट विथ योर सेल्फ नॉट विथ अदर्स। दोस्तों अगर हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिव क्वालिटीज होती हैं तो उसका रीजन ये होता है, अगर हमारे अंदर निगेटिविटी आती है कि हम दूसरों से अपने आप को कम्पीट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि जैसा मैंने पिछले साल किया है उससे मैं बेहतर काम करूंगा, उस जो गलतियां मैंने की हैं उन गलतियों को मैं दोहराऊंगा नहीं। लास्ट ईयर की जो मिस्टेक्स हैं उनको जरूर लिखिए और अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो साल के अंत तक आप ये पाएंगे कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। और जब आप सेल्फ इम्प्रूव करेंगे तब आप अपने दूसरों से अपने आप आगे निकल जाएंगे। हमेशा कुछ नया सीखने का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आगे आप डेवलप करें। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन है जो आपको लेना है वह है कि आपको लक्ष्य बना करके, टारगेट बना करके टारगेट सेट करिए। सेट योर गोल, सेट योर टारगेट। ऐसी वीडियोस आप लगातार कई बार देख चुके होंगे लेकिन आज तक अपने कभी टारगेट सेट नहीं किया। यह हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपको मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा सपना अगर आपको पूरा करना है, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो मेहनत आप रोज करेंगे उसी से आपको सफलता मिलेगी। तो पहले हर रोज वादा करिए कि आप रोज मेहनत करेंगे। अपने टारगेट को अगर आपने सोच लिया कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, एसएससी देना है, जो भी एग्जाम आप सोचते हैं, बैंक का एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम, कोई भी जॉब आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़े से बड़े अच्छे संस्थान में आपका एडमिशन हो, नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, तो आपको उसके लिए रोज मेहनत करनी है। अपनी कमजोरियों पर फोकस करिए दूसरों की बुराई करने की वजह से। दोस्तों दूसरों की बुराई मत करने का प्रयास करें, अपनी कमजोरियों को आप दूर करें, अपने आप को आप इंप्रूव करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली बात, बी सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बनना दोस्तों बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हमारे भारत देश को आप देख रहे हैं, नई ऊंचाइयों को हमारा देश छू रहा है, चाहे वह डिफेंस का सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, और हम एक ग्लोबल पावर की तरह आ रहे हैं। आज भारत को जो मान प्रतिष्ठा मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि हमारी युवा पीढ़ी इस बात को सोच चुकी है कि हमें किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें भी यह संकल्प लेना है कि हमें भी किसी पर निर्भर नहीं रहना है, मुझे अपने एफर्ट से अपने आप को बेहतर बनाना है।
रोज मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, एक जिम्मेदारी के साथ, एक समझदारी के साथ, एक पूरी ईमानदारी के साथ अगर मैं मेहनत करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे सही सफलता मिलेगी। और आपके पास तरह तरह के रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज का यूज करिए अपने लिए। आप कैसे किसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, कैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो कैसे आप अपने आप को इसको चेंज करने में लगा सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज आप इसमें सीख सकते हैं, कहां से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इन चीजों पर ध्यान दें। और सबसे अंतिम बात दोस्तों जो ये है कि निगेटिविटी से दूर रहें, बी अवे फ्रॉम निगेटिविटी। हर वो चीज जो आपको ऐसी लगे कि वो निगेटिव है, आपको अगर लगता है कि आपको उस चीज को करने में आपको नुकसान है, आपको कोई बातें निगेटिव बोल रहा है, तो उस निगेटिव पर मत ध्यान दें। अपने ऊपर आप विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, दोस्तों भगवान के लिए जरूर समय निकालें। आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि आपको यह जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से मिला है, आप एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हर रोज अपने ईश्वर का, अपने भगवान का जरूर आप ध्यान किया करें। इससे होगा क्या कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दिया होगा, आपको प्रेरित किया होगा कि नए वर्ष में आप नए लक्ष्यों को, नए मुकामों को, नई ऊंचाइयों को आप छुएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस को, आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।